और अब बात करेंगे रंगों के त्योहार होली की। तो मथुरा में आज से होली की शुरुआत होने जा रही है। आज से बरसाना में लड्डू मार होली खेली जाएगी। बरसाना के लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली खेली जाएगी। दरअसल आज से होलास्टक शुरू हो रहा है और इस दिन बरसाना में दुनिया की सबसे अनूठी होली यानी कि लड्डू होली खेली जाएगी। लड्डू होली बरसाना के लाडली जी मंदिर में खेली जाएगी। बरसाना की लड्डू होली को देखने के लिए देश दुनिया भर से लोग आते हैं और लड्डू होली हर साल लठमार होली से एक दिन पहले मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार लड्डू होली का आयोजन हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। और कैसी है होली की रौनक मथुरा से इस वक्त मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश, आज से होली की शुरुआत हो रही है, मथुरा में अगर बात की जाए तो अलग ही रौनक देखने को मिलती है होली की। किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है इस होली को लेकर, और आज क्योंकि सबसे प्रसिद्ध होली लड्डू मार होली भी खेली जाएगी, उसके लिए कैसा उत्साह? बिल्कुल आयशी, जिस लड्डू होली की आप बात कर रही थी उसी बरसाने में हम खड़े हैं राधा रानी के मंदिर में, और दुनिया की जो सबसे अनोखी होली है लड्डू होली वो खेली जाएगी। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उसके बारे में बताएंगे दर्शकों को। दरअसल आज 10 बजे जो नंदगांव के सखी भाव के लोग हैं संत बरसाने के, वो नंदगांव जाएंगे न्योता लेकर कि बरसाने जो नंदगांव के लोग हैं वो बरसाने में होली खेलने आए। और जब वहाँ पर न्योता निमंत्रण को मान लिया जाता है कि ठीक हम आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर उस खुशी में लड्डू होली मनाई जाती है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये सारे लोग होली खेलेंगे राधा रानी के मंदिर में। कुछ लोगों से बात भी करते हैं और ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या स्पेशली होली खेलने के लिए बरसाने में आए? होली खेलने के लिए, देखने के लिए आए, खेलना तो हमारे बस की नहीं है। नहला तो लोग देंगे? हाँ, नहला देंगे, नहला लेंगे, नहा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ और लोगों से बात करते, देखिए ये पूरी लंबी लाइन सुबह से ही लगी है और लगातार ये जो काफिला है लाइनों का ये बढ़ता चला जा रहा है। ये बताएं माता जी, कहाँ से आए आप? हम तो भैया हरियाणा से आए, हसनपुर के पास से। हाँ, दर्शन करेंगे राधा रानी। रोहतक से, हरियाणा। हाँ जी, तो ये ब्रज की होली के लिए आए हैं आप लोग? हाँ जी, होली खेलने के लिए आए हैं राधा रानी के साथ। राधा रानी के अलावा तो कुछ भी नहीं, होली तो हमेशा के राधा अष्टमी होली में हमेशा आते हैं, बहुत आनंद आता है। आप देखिए ये जो पूरी लाइन लगी है ये बहुत देर से भक्त इंतजार कर रहे हैं और यही राधा रानी का मंदिर है जहाँ से आज शाम को लड्डू बरसेंगे जब नंदगांव से बरसाने के लोग वापस आ जाएंगे। और ये पूरी तस्वीर है, देखिए चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों बुजुर्ग हों, हर कोई यहाँ पर होली खेलने के लिए आया है। महाराज जी कहाँ से आए? वृंदावन से। क्या महत्व है बरसाने में होली खेलने का? आनंद है, होली का आनंद ही आनंद लो, आनंद ही आनंद लो होली का सब लोगों के साथ में। बिल्कुल, देखिए आनंद की बात आयुषी हो रही है और तमाम परंपराएं हैं, चाहे हम गायन की बात करें, हम चाहे रंगों की बात करें, लड्डू की बात करें, तरह तरह की चीज़ें यहां पर देखने को मिलती हैं। और देखिए यहां पर हम दिखाएं आपको तो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये सारे लोग जो आए हैं ये लड्डू होली खेल के ही जाएंगे। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ, तो क्या बरसाने की होली देखने के लिए आए? बरसाने की होली देखने और होली कवर करने आया हूँ मैं। हम सब दिल्ली से हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पहली बार आए हैं बरसाने में होली देखने। ऐसे तो हमने सबसे सुना है, अपने बड़े से सुना है कि यहाँ होली सबसे धूमधाम होती है, तो हमने सोचा एक बार खुद आके देख लें, तो यही आए हैं आज पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, उम्मीद करते हैं धूमधाम से हो और खुशहाली से हो। कहाँ से आप? शुकाबाद। हाँ, लाडली के लिए। तो देखिए कुछ साधु संत हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं? हम महाराज जी नैमिष धाम से। होली के लिए जी महाराज, क्या महत्व है ब्रज में होली खेलने? ब्रज के होली खेलने का बहुत बड़ा महत्व है महाराज जी। हाँ, बहुत बड़ा महत्व है ब्रज की होली का। लोग तरसते हैं एक दौर रंग गुलाल लगने के लिए, यहाँ का जो ब्रज का लग जाए वो अपने आप को धन्य मानते हैं। बताइए संत की सरकार भी है, आप पहले भी आते रहे होंगे, बदलाव व्यवस्थाओं में कितना दिख रहा है? ऐसी सरकार ना आई। भीड़ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों के अंदर अपने आराध्य के साथ होली खेलने का। बहुत धन्यवाद आपका, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।